आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस पर आप शायद यकीन ना करें, लेकिन पूरी पुख्ता जानकारी लेने के बाद ही आपके सामने आया हूँ। ये है राजस्थान का मामोर धाम, जहाँ बारिश में बहकर आते हैं सोना, चांदी और हीरे। इसकी पुष्टि के लिए मैंने गांव वालों से बात की, जिन्होंने खुद चांदी और सोना मिलने की बात को स्वीकारा। और यहाँ पर सुनील वर्मा, जिनको खुद विशेष पत्थर और हड्डियों जैसे अवशेष मिले, जिनको उन्होंने जियोलॉजी HOD को जाकर दिया, वही HOD जिन्होंने जैसलमेर में डायनासोर के अवशेषों की खोज की और सफलता भी प्राप्त की। यहाँ खुदाई में एक घड़ा भी निकला जिसकी क्षमता लगभग 150 लीटर के आसपास थी, जिसमें राख भरी थी। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक जगह की कहानी को और शुरुआत करते हैं इस ऐतिहासिक व्लॉग को। तो मैं निकला अपने घर अलवर सिटी राजस्थान से, जिंदौली की सुरंग से होते हुए, हमीरपुर की घाटी से निकलते हुए, बांसुर की गलियों में चक्कर लगाते हुए, नारायणपुर रोड पर स्थित आड़ी गली से आगे गड़ी गांव में, जहां से ये मामोर धाम पड़ता है 6 किलोमीटर। आखिरकार 65 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंच ही गए कर्माबाई के मामोर धाम में, जिन्होंने 1667 में यहाँ समाधि ली। वही कर्माबाई जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ का खीचड़ा खिलाया, और वो जगह कहलाती है विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा। आज भी वहाँ खीचड़ा का पहला भोग मामोर धाम की कर्माबाई का लगाया जाता है। इस धाम में है पाताल तोड़ बावड़ी, जिससे आज भी अविरल पानी बह रहा है। यहाँ के लोकल लोग इसे बोलते हैं गंगा, जो कि मांडव ऋषि के द्वारा लाई गई, और ये पानी आ रहा है पत्थरों के बीच में से, जिसका स्वादिष्ट पानी भरकर दिल्ली जैसे शहरों में आज भी स्वादिष्ट सब्जियों के लिए लेकर जाते हैं। अब आपको बताता हूँ आखिरकार यहाँ सोना और चांदी क्यों निकलता है। ये गांव प्राचीन में चंपावती शहर के नाम से जाना जाता था, जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, जिसके चलते आज भी यहाँ पर दीवारों के प्राचीनतम आसार दिखाई देते हैं। और कहा जाता है कि प्राचीन में यहाँ भाई बहन छोटी सी उम्र में बिछड़ गए थे, जो कि 12 साल बाद मिले। इस बिछड़ने के दुख के कारण उन्होंने श्राप दिया कि ये शहर उजड़ जाएगा, इसलिए जब भी यहाँ खुदाई होती है तो अवशेष मिलते हैं। ये जो स्टोन रिवर देख रहे हैं, ये पहाड़ों के बीच में से, जी हाँ, इसी में बारिश के पानी के साथ सोना और चांदी और हीरे बहकर आते हैं, जिसकी पुष्टि के लिए मैंने गांव वालों से बात की। ये जो एरिया देख रहे हैं, ये कर्माबाई की समाधि, और ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ बरसात के दिनों में सोना चांदी बह के आता है, और यहाँ के जो गांव लोग हैं, गांव वाले हैं, उनको बहुत सारी सोना चांदी की छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं। उसका रीज़न ये बताते हैं कि यहाँ पर कभी मकान दबे हुए हैं, जो कभी रहे होंगे, उनके अंदर का जो खजाना है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। आपको जैसे यहाँ पे वो सोने चांदी की जो बात है वो कितनी सच है यहाँ पे? सौ परसेंट सच है, मतलब मिलते हैं पर लोगों को? आप क्यों मिले हैं? जब मिले थे तो क्या कारण होता है इसके पीछे कि मतलब ये मिलती हैं चीजें यहाँ? बरसात आती है ना जब तक। हाँ अच्छा, इसमें काले काले कंकर पड़े हो जाते हैं। अच्छा, छोटे छोटे टुकड़ा मिले। अच्छा, सोने के चांदी के छोटे छोटे, तो मतलब ये तांबा के पैसे मिलते हैं। तो मतलब क्या क्या लगता है कि इस पहाड़ी में कोई खदान वगैरह है या फिर कुछ और कारण? अच्छा, इसको चंपावती शहर बोलते थे कई हजार साल पहले, तो उसमें उसी। अच्छा अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग जरूर बताना, अपनी राय अवश्य रखना। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।